हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम पांच स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, स्मॉल कैप स्टॉक्स, नॉर्मली हम लार्ज कैप स्टॉक्स का एनालिसिस ज्यादा करते हैं। इस बार हम पांच ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं जिनमें मार्च 2020 ये जो इवेंटफुल मंथ था उसमें म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खासी बाइंग की है। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं आप लोगों को, ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज होती है इसका जो रिसर्च होना चाहिए वो हम इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते जितना रिसर्च हम लार्ज कैप कंपनीज का कर पाते हैं। जिस टाइप का इंफॉर्मेशन लार्ज कैप कंपनीज के लिए ओपन मार्केट में अवेलेबल होता है उतना स्मॉल कैप कंपनीज का अवेलेबल नहीं होता, या फिर अवेलेबल भी होगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली अगर स्मॉल कैप कंपनीज में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, वैसे देखा जाएगा तो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए वी ऑलवेज फील कि स्मॉल कैप फंड्स आर मोर देन इनफ रादर देन गोइंग एंड डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप स्टॉक्स। बट फिर भी आप लोगों को अगर चाहिए कि भाई वैसे कौन से स्टॉक्स है जहां पे म्यूचुअल फंड्स थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव है, तो वो सीरीज हम शुरू करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो लास्ट मंथ मार्च 2020 में ऐसे कौन से पांच स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपना जो होल्डिंग है परसेंटेज होल्डिंग के हिसाब से काफी अच्छी तरीके से बढ़ा है, तो उन कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। तो पहली जो कंपनी है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, ऑटो कंपोनेंट्स में कंट्रोल केबल्स, स्पीडो केबल्स, ऑटो लैंप्स वगैरह प्रोडक्शन यहाँ पे इस कंपनी में होता है। ऐसी हार्डली एक कोई ऑटो कंपनी होगी जिसको ये पर्टिकुलर कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करती है, तो अच्छा खासा प्रेजेंस यहाँ पे अवेलेबल है। बट जहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री में ही स्लंप आया है, डाउनटर्न बहुत एग्रेसिवली आया है, तो उसका इम्पैक्ट नॉर्मल है कि इस कंपनी पे भी होगा। तो उस वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है फ्रॉम 52 वीक हाई विच वॉज अराउंड 236 रुपीज, वहां से ये नीचे आके 118 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अगर 52 वीक लो का हम वैल्यू देखते हैं तो अराउंड 99 रुपीज तक ये स्टॉक जाके ट्रेड हुआ था। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करेंगे तो 1648 करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है। स्मॉल कंपनी है तो हमने हमेशा डेट टू इक्विटी रेशियोज क्या है ये देखना भी इंपॉर्टेंट होता है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि स्मॉल कंपनीज को अगर वर्किंग कैपिटल वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो पैसा रेज करने में एटलीस्ट कैपिटल मार्केट से तकलीफ हो सकती है, अगर बैंक से वो रेज करते हैं तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से हायर लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का वो है 0.39, तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। वैसे देखा जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, कैपिटल ज्यादा लग सकता है, बट फिर भी 0.39 का डेट टू इक्विटी रेशियो इज क्वाइट कंफर्टेबल, दैट्स व्हाट वी फील। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होता है, जब भी आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो हमेशा ये देखना जरूरी है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है टू कवर दोज इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये 8.87 का है, बहुत हेल्दी इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशियो ऐसा हमें लगता है। नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो 18.71% का ये नंबर है विच इज क्वाइट हेल्दी। नॉर्मली इफ द ROE एंड ROC नंबर्स आर मोर देन 15%, सो इट इज अ गुड साइन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर भी आप अगर देखोगे, बिकॉज देर इज अ डेट टू इक्विटी रेशियो विच इज अवेलेबल विद द कंपनी, इट मींस कंपनी हैज रेज गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड देखना बहुत जरूरी है। तो वो नंबर है 21.50% का। तो ये सारे नंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है, और स्पेसिफिकली एक फंड ने बाय किया है, उस फंड हाउस का नाम है HDFC म्यूचुअल फंड्स, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मिस्टर चिराग सेतलवाद जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड के मास्टर है, उन्होंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ अगर करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे हम कंपनी का, तो वो है 11.55। इसका जो मीडियन या फिर हिस्टोरिकल पी रेशियो जो रहा है ऑन एन एवरेज विच इज 25+, तो वहां से ये 11.55 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, तो इसीलिए अट्रैक्टिवनेस शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नजर आ रहा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात हम करते हैं तो 44.56% की प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में, और एक पैसे का शेयर प्लेज नहीं है, तो प्रमोटर ने कुछ भी प्लेजिंग नहीं की हुई है, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे ओवरऑल काफी अच्छी नजर आ रही है कंपनी। अगर होल्डिंग के हिसाब से बात करोगे तो 113 करोड़ से बढ़ा के 136 करोड़ रुपए होल्डिंग हुई है कंपेयर टू फेब 20 से लेके मार्च 20 का, अगर हम नंबर देखते हैं मंथ ऑन मंथ का।
नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 57 लाख से शेयर्स बढ़ के 121 लाख हो गए, 1.21 सीआर हो गए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, व्हिच इज वेरी पॉजिटिव, दैट्स व्हाट वी फील। नाउ वी विल गो टू दिस सेकंड कंपनी। यहां पे कंपनी का नाम है स्पाइसजेट लिमिटेड। इसके बारे में फाइनेंशियल्स नंबर्स के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा कोई फाइनेंशियल रेशियो या नंबर अच्छा नजर नहीं आ रहा है, सब जगह पे रेड मार्क्स है, निगेटिविटी छाई हुई है इस कंपनी में। बट फिर भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सेक्टर हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहेगा। हो सकता है हैंड्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, जैसे कि पहले भी हुआ स्पाइस जेट के साथ, आने वाले समय में भी कंसोलिडेशन के चक्कर में शायद ये चीज हो सकती है। तो उसी तरीके से देखा जाए तो ही सिर्फ ये पॉजिटिव नजर आता है, अदरवाइज नंबर्स के हिसाब से नहीं। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी जहां पे एग्रेसिव करेक्शन हम लोगों ने देखा है फ्रॉम 52 वीक हाईज या फिर मल्टी ईयर हाईज से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है कंपनी, तो यहाँ HDFC AMC ने ही यहाँ पे बाइंग की हुई है। तो इसके अलावा हम ज्यादा नंबर्स डिस्कस नहीं करना चाहते, ये एक क्वालिटेटिव बाय है रादर देन क्वांटिटेटिव। यहाँ पे आने वाले समय में चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी, जैसे लार्ज कैप में भी आप लोगों ने देखा था कि लार्ज कैप में इंडिगो या फिर इंटरग्लोब एविएशन के नाम से जो कंपनी जानी जाती है वहां पे भी होल्डिंग बढ़ाई गई थी, तो सेम चीज इवन स्पाइस जेट के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी नाउ बिकॉज द करेक्शन विच हैज हैपेंड, सो फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप टू स्मॉल कैप द जर्नी वॉज क्वाइट पेनफुल फॉर स्पाइस जेट लिमिटेड। बट फिर भी म्यूचुअल फंड को लगता है कि यहाँ पे आने वाले समय में चीजें सुधरती हुई नजर आती आ सकती है, तो इसीलिए शायद HDFC AMC ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है। सो फ्रॉम 4.09 करोड़ शेयर्स टोटल म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स यहाँ पे 6.16 करोड़ हो गए हैं, बट होल्डिंग के हिसाब से फ्रॉम 341 करोड़ रुपीज द टोटल होल्डिंग मार्केट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड होल्डिंग इज 226 करोड़ रुपीज। नाउ थर्ड कंपनी इज रेडिको खेतान लिमिटेड। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की थी, सर आप इस पे एक वीडियो बनाई है, नॉर्मली अल्कोहल रिलेटेड बिजनेसेस में है सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज अवॉइडेड, बट ये जो हमारा एनालिसिस है इसमें ये कंपनी सामने आई है, तो वी विल ट्राई एंड गिव यू अ लिटिल ब्रीफ अबाउट दिस कंपनी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में है ये कंपनी का बिजनेस। टोटल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते तो अराउंड 4,377 करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट मार्केट प्राइस इज 328, 52 वीक हाई अगर हम देखेंगे तो 439 है 52 वीक हाई एंड लो है 220, तो यहाँ पे नीचे जाके अच्छा खासा रिवाइवल इस स्टॉक में नजर आया, मे बी मेजरली बिकॉज कि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे बाइंग की हुई है। तो यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर अगर हम देखेंगे तो विच इज क्वाइट हेल्दी 19.04%, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर है 15.35%, तो दोनों नंबर्स काफी हेल्दी है, काफी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे नजर आती है। नॉर्मली क्या देखना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव अगर इंडस्ट्री है तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो का नंबर है वो है 0.26, तो जब भी आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे यू नीड टू लुक एट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड दैट इज अराउंड 10.38, विच इज क्वाइट हेल्दी, तो वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में नजर नहीं आता है दोस्तों। नाउ प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है इस कंपनी में, प्रमोटर की होल्डिंग है 40.33%। एक नेगेटिव चीज यहाँ पे सामने आई है एंड दैट इज कि प्रमोटर ने आउट ऑफ दिस 40.33% 1.83% जो स्टेक है वो प्लेज किया हुआ है, तो ये एक निगेटिविटी यहाँ पे हमें नजर आई है। बाकी अगर करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखोगे कंपनी का तो 18.28 है और हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज अराउंड 22.8, तो वहां यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। मे बी इसका एक रीजन हो सकता है ये जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स के चक्कर में शायद यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है स्टॉक को। बाकी इस स्टॉक को भी HDFC AMC ने ही अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई हुई है, फ्रॉम 99 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होल्ड करती थी फेब 2020 में, अभी अराउंड 1.43 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहां पे होल्ड करती हुई नजर आ रही है। फेब में 408 करोड़ रुपीस का होल्डिंग था म्यूचुअल फंड्स का एंड नाउ मार्च में इट इज अराउंड 383 करोड़ रुपीस। सो दिस वॉज द थर्ड कंपनी स्मॉल कैप कंपनी फॉर दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट कंपनी इज अनदर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेसेस में है, तो कंपनी का नाम है लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड। तो ये जो है टेक्सटाइल स्पिनिंग मशीन्स या CNC मशीन टूल्स
या फिर हेवी कास्टिंग मेजरली जो यूज होती है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, उसमें इसकी स्पेशलिटी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2737 करोड़ रुपीस है, करंट मार्केट प्राइस इज 2562 रुपीस। अगर 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो देखते हैं तो 52 वीक हाई तो 6000 रुपए का था, तो वहां से एक एग्रेसिव करेक्शन हमने यहाँ पे देखा है कंपनी में, मोर देन आप बोल सकते हो 60% का करेक्शन यहाँ पे हुआ है, या फिर ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन। एंड लो जो है इस कंपनी का 52 वीक लो, दैट इज 2000 रुपीज। तो यहाँ पे फ्रॉम लोज इट इज ट्रेडिंग अबाउट 20% मे बी बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लास्ट मंथ में बाइंग यहाँ पे की है। तो यहाँ अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स हम देखते हैं तो ROCE का जो नंबर है वो है 17.83%, रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है 11.70%। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होने के बावजूद एक पैसे का डेट कंपनी पे नहीं है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है ये, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज जीरो। सो यहाँ पे अगर डेट ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कुछ डेट ही नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज थोड़ी सी कम नजर आती है हमें, 30.95% की है। बट हमेशा एक चीज देखनी चाहिए, अगर प्रमोटर का होल्डिंग भी कम है बट फिर भी डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह ये चीजें अच्छी तरीके से मैनेज की गई है, प्रमोटर ने प्लेजिंग कुछ नहीं की, यहाँ पे भी कोई एक पैसे का शेयर प्लेजिंग नहीं है, इट मीन्स प्रमोटर का जो भी ध्यान है इसी बिजनेस पे है, दे आर नॉट डाइवर्सिफाइंग अननेसेसरीली बाय प्लेजिंग एग्जिस्टिंग शेयर्स, सो दैट इज वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे अगर करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखोगे तो 43 का है, इसका एवरेज हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 23 का है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक ड्रास्टिक फॉल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में लास्ट 12 मंथ में हमने देखा है, इसीलिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऊपर गया है, एक्चुअली शेयर प्राइस ऊपर नहीं गई है। सो यहाँ पे न्यूमेरेटर बढ़ा है इसलिए नहीं हुआ है डेट टू इक्विटी रेशियो, सॉरी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बढ़ा है, बट इसका जो डिनोमिनेटर है वो कम हुआ है, इसके चक्कर में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऊपर दिख रहा है। तो वंस द सिचुएशन गेट्स नॉर्मल आई थिंक दिस कंपनी लुक्स क्वाइट गुड, इसके फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। इस कंपनी को भी HDFC AMC ने ही खरीदा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, सो इट शोज कि अगर स्मॉल कैप स्पेस में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फंड्स व्हिच गॉट इन्वेस्टेड इनटू स्मॉल कैप कंपनीज आर फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड्स, मींस HDFC म्यूचुअल फंड्स के पास शायद कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है हमें। नाउ द फिफ्थ कंपनी सुदर्शन केमिकल्स, सुदर्शन केमिकल्स केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है, एग्रोकेमिकल केमिकल्स भी बनाती है। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2923 करोड़ रुपीस, करंट मार्केट प्राइस इज 422, 52 वीक हाई जो था 505 रुपए का था, 52 वीक लो वाज 286, तो आप समझ सकते हो कि नीचे से काफी ऊपर आ चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के जो नंबर्स है 15.89% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर्स है 16.45%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.68, तो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हाई है। तो हमेशा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना चाहिए डेट टू इक्विटी के पास, तो वो है 12.76 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वी डू नॉट फील देर इज एनी प्रॉब्लम विद द कंपनी। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 52.32% की प्रमोटर की होल्डिंग है, कंपेयर टू अदर केमिकल कंपनीज इसमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कम है, बाकी यहाँ प्रमोटर का होल्डिंग 52% है, अराउंड 40% प्लस जनरल पब्लिक का होल्डिंग इस कंपनी में है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में विद द स्ट्रांग फाइनेंशियल्स शायद यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और FIIs की होल्डिंग शायद बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे प्रमोटर ने एक पैसे का स्टेक प्लेज नहीं किया हुआ है, करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज 22.31, हिस्टोरिकली एवरेज पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो दैट इज अराउंड 27, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में हुआ है, बट लोअर लेवल्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक की प्राइस पे नजर आया है। तो यहाँ एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा खासा बाइंग इस स्टॉक में किया है इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। तो दोस्तों ये पांच स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, हमने पहले ही लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के वीडियोस बना दिए हैं, ये स्मॉल कैप कंपनी का वीडियो है। दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हमारा ये बहुत स्ट्रांग सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि यू शुड गो विथ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स रादर देन गोइंग इनटू डायरेक्टली इनटू स्मॉल कैप स्टॉक्स, बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर We do not get the hands-on information जो हमें direct promoter से मिल सकती है by asking them some tough questions जो ये mutual fund managers करते हैं, that's what we feel। Large cap में analysis आसान रहता है, information बहुत ज़्यादा रहती है, small cap में access available नहीं रहता।
इसीलिए अगर आपको स्मॉल कैप फंड्स का एनालिसिस देखना है या फिर रेगुलर अपडेट्स चाहिए, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर एमएफ एथना पोर्टल। वहां से आप मंथ ऑन मंथ हम हर फंड का एनालिसिस करते हैं, अराउंड 200 फंड्स हम वहां पे ट्रैक करते हैं, उसका मंथली अपडेट वहां पे अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए। तो जरूर इस चीज का लाभ उठाइए। स्टे होम ये कूपन कोड अभी भी अवेलेबल है, यू कैन गेट 10-25% डिस्काउंट्स ऑन आवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी चाहिए, स्टॉक्स भी चाहिए, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज ऑन आवर वेबसाइट। वहां पे भी स्टे होम ये कूपन कोड अवेलेबल है, यू विल गेट गुड डिस्काउंट्स देयर। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।